नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ग्रेजुएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो क्लास इलेवंथ और ग्रेजुएशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है लेजिस्लेचर, किस तरीके से काम करता है, कैसे इसके फंक्शंस होते हैं, क्या इसकी पावर्स होती हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, और इंडियन लेजिस्लेचर के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सरकार के दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की में से जो सबसे, आज हम पहले ऑर्गन की बात करेंगे लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लॉ मेकिंग बॉडी, देश के लिए कानून बनाना। तो और उस कानून से देश को गवर्न किया जाता है। तो लेजिस्लेचर, जिसको हम हिंदी में विधायिका बोलते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है देश के लिए कानून बनाना। और हम बात करें अगर कानून बनाने की, तो देश के अंदर कानून बनाने का जो काम होता है वो पार्लियामेंट का होता है। तो इन शॉर्ट, इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। और बात की जाए इंडियन लेजिस्लेचर की, तो भारत का जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो सबसे पहले सवाल आपका यही उठता है कि हमें पार्लियामेंट की या हमें लेजिस्लेचर की ज़रूरत ही क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन दोस्तों, इसका जवाब यही है कि किसी भी देश के लिए जहाँ पर लोकतंत्र हो, जहाँ पर डेमोक्रेसी हो, उसको सक्सेसफुली चलाने के लिए, उसको सफलतापूर्ण चलाने के लिए ज़रूरी है उस देश के अंदर लेजिस्लेचर वो बेटर से काम करे, सही तरीके से काम करे। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो उस लोकतांत्रिक देश के पॉलिटिकल फंक्शन को स्मूथली चलाने के लिए, प्रॉपरली चलाने के लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट हो, एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर हो। और काम भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ मेकिंग बॉडी, देश के लिए कानून बनाना, जिस कानून के हिसाब से देश को गवर्न किया जाए, देश को चलाया जाए दोस्तों। तो अगले फंक्शन की दोस्तों बात करें, तो इंडिया का जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। बहुत सारे देश ऐसे भी है जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट है, मतलब जहाँ पर एक सिंगल हाउस है पार्लियामेंट का, लेकिन इंडिया के अंदर दो हाउसेज हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, या व्हाई डू वी नीड द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि हमारे देश को दो हाउसेज की ज़रूरत क्यों है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, भारत जो कि एक ऐसा देश है जो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा, अलग अलग जाति समुदाय और धर्म और अलग अलग भाषा बोलने वाले भारत के अंदर लोग बसते हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हाउस हो और वो पूरी तरीके से कैपेबल हो। इसलिए ज़रूरी है भारत के फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी, भारत के संघवाद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ज़रूरी है टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जहाँ पर एक हाउस लोकसभा भारत के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करता है। और राज्यसभा का काम की बात की जाए दोस्तों, तो राज्यसभा अलग अलग राज्यों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो इसलिए ज़रूरी है रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के अंदर टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है दोस्तों। दूसरी बात की जाए तो कोई भी पॉलिसीज, कोई भी डिस्कशन या कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट के अंदर आता है, तो उसके अंदर एक एक बहुत वास्ट और विस्तार से किसी भी चीज़ के ऊपर चर्चा की जा सकती है, डिबेट एंड डिस्कशन किया जा सकता है, किसी भी पॉलिसी को एनालाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा में भी जाएगी और राज्यसभा में भी। इसलिए ज़रूरी है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर का फ़ायदा है कि कोई भी लॉ होता है, कोई भी पॉलिसी होती है, उसको डिटेल में डिस्क्रिप्टिव तरीके से एनालिसिस करने का मौका मिलता है। और तीसरी बात की जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, कि कोई भी एक पॉलिसी या कानून सरकार लेके आती है उस पर डबल चेक हो जाता है। डबल चेक मतलब मान लीजिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी है, क्लियर मेजॉरिटी है, और उसकी सरकार है लोकसभा के अंदर, तो वो ऐसा कोई भी कानून लेके आ सकती है और लोकसभा के अंदर पास भी करा सकती है क्योंकि उसके पास पूरी मेजॉरिटी है। इसलिए ज़रूरी है कि वो पास किया गया लोकसभा के अंदर कानून है और दोबारा से राज्यसभा के अंदर भी जाएगा, तो ये एक डबल चेक हो जाता है। डबल चेक मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी की लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी हो उसी पार्टी की राज्यसभा में भी हो। इसलिए ज़रूरी है जब एक कानून लोकसभा के अंदर आता है, मे बी वो वहाँ से सरकार के द्वारा पास जल्दी करा लिया जाए, लेकिन फिर वो डिबेट और डिस्कशन के लिए राज्यसभा के पास भी जाता है। तो इस तरीके से कोई भी कानून या कोई भी पॉलिसी होती है उसके ऊपर एक बार डबल चेक होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले दोनों के बारे में बात की जाए, लोकसभा के अंदर 545 सीट्स होती हैं, मतलब 545 मेंबर्स होते हैं, और इसके अपोजिट में राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स होते हैं।
दोस्तों लोकसभा के 545 मेंबर्स में से 543 मतलब 543 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो सीधे लोगों द्वारा चुन के आते हैं। बाकी के जो दो मेंबर्स होते हैं उनको हम एंग्लो इंडियन मेंबर्स बोलते हैं, और वो दो मेंबर्स राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। उन एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बताता हूँ कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। वो दो एंग्लो इंडियंस वो मेंबर्स होते हैं जो भारतीय लोग विदेश के अंदर रहते हैं, मतलब ऐसे इंडियंस जो बाहर काम करते हैं, वहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन उनके पास इंडिया की नागरिकता है। उन लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है दोस्तों। तो ये 543 मतलब 543 मेंबर्स प्लस ये टू एंग्लो इंडियन मेंबर्स मिला के 545 मेंबर्स होते हैं। और बात की जाए राज्यसभा की तो उसके अंदर 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर राज्यसभा के राष्ट्रपति नामित करता है। इसके लिए आपको बता देता हूँ, ये वो 12 मेंबर्स होते हैं जो अपने अपने फील्ड के अंदर, चाहे वो आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट हो या साइंस के फील्ड में हो या मेडिकल के फील्ड में हो, अपने अपने फील्ड में देश का नाम रोशन करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होती हैं, तो ऐसे 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा के अंदर नामित कर देता है। इनके इलेक्शंस की बात की जाए तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुना जाता है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो देश की जनता है वो अपने अपने विधानसभा मतलब अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो अपने अपने MLAs या विधायक को चुनती है, और वो चुने गए जो विधायक होते हैं, जो MLAs होते हैं, वो अपने अपने स्टेट्स के राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने विधायकों को चुनते हैं और वो विधायक राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, इसलिए बोला जाता है राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। आगे बात की जाए दोस्तों इनके कार्यकाल की, तो लोकसभा का जो कार्यकाल जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, और राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। लोकसभा का आपको पता है कि हर 5 साल बाद आम चुनाव जनरल इलेक्शंस होते हैं और नई लोकसभा के मेंबर्स चुन के आते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में बात की जाए तो राज्यसभा के कभी भी एक साथ इलेक्शंस नहीं होते हैं। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लोकसभा कैन बी फुली डिसॉल्व बट राज्यसभा कैन नाइदर बी फुली डिसॉल्व, मतलब लोकसभा को एक साथ पूरा भंग किया जाता है लेकिन राज्यसभा को एक साथ कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अभी भंग करने का मतलब क्या है, आपने तो देखा होगा कि कोई भी सरकार होती है लोकसभा की, एक साथ अपने 5 साल पूरे करती है, 5 साल खत्म होने के बाद पूरे लोकसभा के मेंबर्स के दोबारा से चुनाव होते हैं, या फिर बीच में कोई भी सरकार अपनी मेजोरिटी या अपना बहुमत लूज कर देती है, तो ऐसे केस में भी पूरी लोकसभा को भंग किया जाता है और पूरी लोकसभा के फ्रेश इलेक्शंस कराए जाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ राज्यसभा ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के अंदर हर 2 साल बाद 1/3 मतलब 1/3 जो सीट्स होती हैं वो खाली हो जाती हैं, और हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स के लिए वोटिंग होती है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप ऐसे सपोज कर सकते हैं कि आपका कोई भी कॉलेज है या स्कूल है जिसके अंदर 3 ईयर हैं, फर्स्ट ईयर है आपका, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है, तो 3 साल है कॉलेज के, लेकिन हर एक साल हर कॉलेज का जो ईयर है वो 2 साल का बना हुआ है, 2 ईयर्स की फर्स्ट ईयर है, 2 ईयर्स की सेकंड ईयर है और बाकी के 2 ईयर्स की थर्ड ईयर है, तो टोटल जो कॉलेज का लाइफ स्पैन हो गया वो 6 साल का हो गया। ठीक इसी तरीके से राज्यसभा की बात होती है, राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 साल के लिए होता है, 2 साल 2 साल और 2 साल। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड ईयर में, जो थर्ड ईयर तक पहुँचे हैं या पहुँच चुके हैं वो अपने पूरे 6 साल पूरे करके आए हैं, और वो 1/3 मेंबर पास आउट हो जाते हैं। पास आउट होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट ईयर के मेंबर सेकंड में आते हैं, सेकंड ईयर के मेंबर थर्ड ईयर में आते हैं, और थर्ड ईयर में पास आउट होने के बाद जो फर्स्ट ईयर की सीट है वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि हर 2 साल बाद आप देखेंगे फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं मतलब 1/3 सीट है वो खाली होती रहेंगी, और इन 1/3 सीट्स के लिए हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं। ऐसे राज्यसभा का प्रोसेस होता है दोस्तों। तो ये पार्ट 1 की वीडियो हम लोग रखते हैं, बाकी इसकी पावर और फंक्शंस जो बची हुई हैं लेजिस्लेचर की वो हम लोग पार्ट 2 की वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।